धर्मशाला में भाजपा ने रविवार को समीक्षा बैठक आयोजन किया। इस बैठक के दौरान जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा से आए हुए उम्मीदवारों से फीडबैक भी ली और इसी के साथ चुनावों के दौरान हुए किस विधानसभा में किस तरह का माहौल था इसकी भी जानकारी ली गई। वहीं इस बैठक का आयोजन जिला कांगड़ा में करना इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जिला होने के नाते ज्यादातर सरकार में मंत्री इसी जिला से बनाए जाते हैं। इस मौके पर जयराम ठाकुर ने कहा कि विधानसभा के चुनावों के बाद पहली बार पार्टी के सभी साथियों के साथ बैठना हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी नेताओं ने व पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत बेहतर तरीके से इस विधानसभा चुनावों में अपना काम किया है और आज हम चुनावी परिणामों से पहले एकत्रित होकर आगामी योजनाओं और चुनावी नतीजों से संबंधित चर्चा कर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस बार के चुनावों में हिमाचल की जनता ने रिकॉर्ड मतदान किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की जनता ने 76% से ज्यादा मतदान किया है। उन्होंने कहा कि अभी तक के तमाम सर्वेक्षण सर्वे निकल कर सामने आ रहे हैं, उससे यही प्रतीत हो रहा है कि भाजपा हिमाचल प्रदेश में फिर सरकार बनाने जा रही है। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में करीब 10 लोग मुख्यमंत्री पद के दावेदार बने हुए हैं और 8 लोगों की कुंडलियां भी मंगवा ली गई है। उन्हें कहा कि जो लोग कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने की बात कर रहे हैं वे अपनी सीट को बचाने के लिए भावी मुख्यमंत्री का सहारा ले रहे हैं। उन्हें कहा कि कांग्रेस पार्टी में दहशत व डर का माहौल बना हुआ है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि भाजपा पार्टी द्वारा समीक्षा का बैठक का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बैठक में चुनाव प्रभारी व सह प्रभारी है, संगठन मंत्री और 68 विधानसभा क्षेत्रों में से भाजपा के सभी उम्मीदवार और विधायक के लोग इस बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से भाजपा ने चुनाव को लड़ा है और किस प्रकार से जीत की और अग्रसर होंगे इसको लेकर यहाँ पर समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। विधानसभा के चुनाव के पश्चात पहली बार सब पार्टी के साथियों के साथ बैठना हो पा रहा है और मुझे इस बात की खुशी है कि सभी पार्टी के नेताओं ने पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत बेहतर ढंग से इस चुनाव में काम किया है और आज हम काउंटिंग से 4 दिन पहले यहां पर एकत्रित हो करके थोड़ा चर्चा करेंगे आगामी योजना और उसके साथ साथ में हमारी काउंटिंग से रिलेटेड कुछ बातों का ध्यान रखने की जो चीज़ें हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। और हिमाचल की जनता के मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस बार बहुत अच्छा उन्होंने इस चुनाव में चाहे वो कैंपेन का दौर रहा चाहे वो पोलिंग का दौर रहा बहुत एक्टिव होकर के उन्होंने पार्टिसिपेट किया और रिकॉर्ड वोटिंग इस बार हुई है। 76% से ज़्यादा जो है वो परसेंटेज पोलिंग की हुई है और शांतिपूर्ण ढंग से सारा कैंपेन हमारा हुआ है। ये सारी बात सबसे बड़ी बात है। और जहाँ तक बात आती है अब आगे की बात आती है, अब 4 दिन बचे हैं, हमको इंतज़ार करना चाहिए चुनाव के परिणाम का। लेकिन अभी तक के तमाम सर्वेक्षण सर्वे जो एनालिसिस सारा आ रहा है उसमें यही आ रहा है कि भाजपा हिमाचल प्रदेश में फिर सरकार बनाने जा रही है और मुझे इस बात की खुशी है कि ये हिमाचल के इतिहास में उस दिशा में एक चीज़ ऐसी होगी जो लंबे समय तक इतिहास में दर्ज होगी। और बाकी सारी चीज़ों को लेकर के मैं यही कहूँगा, मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा और भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को और प्रदेश की जनता का मैं धन्यवाद करता हूँ कि जिन लोगों ने बहुत बेहतर ढंग से इस चुनाव के इस दौर में सहयोग दिया है। मैं वो उसके बारे में कोई बात ही नहीं मैं करना चाह रहा हूँ। उसकी शैली उसकी भाषा अब मैं उसमें ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ, वो नहीं सीख पाएंगे, वक्त के साथ सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। देखिए आज हमारी समीक्षा बैठक है, चिंतन बैठक नहीं समीक्षा बैठक है और इसमें हमारा जो शीर्ष नेतृत्व हमारे प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी हैं, चुनाव सह प्रभारी हैं, हिमाचल प्रदेश के प्रभारी सह प्रभारी हमारे मुख्यमंत्री संगठन मंत्री और हमारे जो 68 विधानसभा क्षेत्रों से हमारे जो भी विधायक कैंडिडेट्स हैं ये लोग इस बैठक में उपस्थित रहने वाले हैं और किस प्रकार से हमने चुनाव को लड़ा है और किस प्रकार से हम जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं उसको लेकर हम यहाँ पर समीक्षा करें। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से आश्वस्त है हम सरकार बनाएंगे और बड़े अच्छे मार्जिन से सरकार बनाएंगे। नहीं देखिए ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पर भी ऐसी कोई बहुत ज़्यादा समस्या या ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
हम आज जिस प्रकार से चाहे वो काउंटिंग के डे की बात है, काउंटिंग एजेंट्स की नियुक्ति की बात है, या फिर किस प्रकार से हमारा चुनाव रहा है उसको लेकर एक फीडबैक लेने का हमारा आज का कार्यक्रम है। नहीं, देखिए, जो परमाणु में हमारी बैठक थी उसमें जो चुनाव प्रबंधन समिति और चुनाव प्रबंधन को लेकर किस प्रकार से कार्य किया गया था, उसमें जो हमारे चुनाव प्रबंधन में लोग लगे थे उनकी समीक्षा की गई थी और वहाँ उनसे फीडबैक लिया गया था और किस प्रकार से हमने चुनाव के दौरान कार्य किया है। आज जो हमारे प्रत्याशी रहे हैं उनसे हमारे विधानसभा क्षेत्र के बारे में फीडबैक लिया। हाँ देखिए, मुख्यमंत्री तो उनके दर्जन से ज़्यादा मुख्यमंत्री हो गए तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो है प्रदेश की जनता का आभार प्रकट करना चाहूँगा, जो जनमत मिला है मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और हम सरकार बनाएंगे। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है जैसा उनके यहाँ आज मुख्यमंत्रियों की एक फहरिस्त लंबी, हर कोई मुख्यमंत्री तो बनना चाहता है लेकिन चुनाव जीत पाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं। देखिए, ऐसा मैं नहीं समझता कहीं पर भी कोई दिक्कत आने वाली है, कहीं पर भी ऐसा मैं समझता हूँ जिसको भी पार्टी ने टिकट दिया है पूरी पार्टी उसके साथ लगी है और सभी लोग काम में लगे थे और नतीजे जब आएंगे तो आप इस बात को स्वयं अनुभव करेंगे।